नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल परम यूट्यूब चैनल। मैं परमेश्वर साठे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारा मिसिंग पैन कार्ड नंबर सिर्फ हमारे नाम के जरिए हम कैसे पा सकते हैं। इससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से आपको मिलेगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, कंप्यूटर टेक्निकल वीडियोज, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स वो बिल्कुल फ्री में। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में दिखाई गए बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलेगी सबसे पहले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमें वेब ब्राउजर ओपन करना होगा। इस वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में हमें इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in है एड्रेस टाइप करना होगा। उसे एंटर करने के बाद हमारे सामने आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जो पॉपअप विंडो है उसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्विक लिंक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, नो योर पैन कार्ड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। आपके सामने ऐसी न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमें सरनेम की जगह अपना नेम, फर्स्ट नेम, मतलब जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसे फिलअप करना होगा। यहाँ पे स्टेटस में इंडिविजुअल, फर्म, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, कंपनी, जो भी आपका पर्पज है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है जो इंडिविजुअल है, ट्रस्ट का है, फर्म का है, वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल मतलब पर्सनली है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो मोबाइल नंबर है जो हमने फॉर्म फिलअप करते समय प्रोवाइड किया था, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। और यहाँ पे सबमिट। इसके बाद ये वेबसाइट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी जनरेट करेगी। ओटीपी आपको यहाँ फिलअप करना है और वैलिडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और ये रहा आपका पैन कार्ड नंबर। और आपके सारी इंफॉर्मेशन, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका नेम, पिताजी का नेम, सरनेम, और आपका पैन कार्ड एक्टिव है कि नहीं, आपके सामने दिखाएगा। वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।